यह है राइस मिल, मिनी राइस मिल, 6N100 मॉडल का राइस मिल है। बहुत से भाई लोगों को यह मशीन खरीदने के महीने दिन बाद परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस राइस मिल मशीन को या इसके जैसे कोई भी राइस मिल मशीन को ऑपरेटिंग जानना भर पर्याप्त नहीं है। इसके बेसिक टेक्निक इन्फॉर्मेशन रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर राइस मिल खरीदने के बाद परेशानी से बचना है तो आपको इसके बारे में सारे जानकारियां रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मशीन विक्रेता आपको डार्क साइड का सच्चाई नहीं बताते हैं या फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं होते हैं। आज मैं यहां आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। यह जो देख रहे हो एम्पियर मीटर, यह बड़े काम का है। यह आपके राइस मिल मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करता है उसे के बारे में कुछ जानकारियां बताऊंगा। जानते हो मोटर गर्म क्यों होता है? जब मोटर में साफ लिखा होता है कि इतना एम्पियर तक ही मोटर को आप लगातार चला सकते हो, कंटिन्यू चलने दे सकते हो मोटर को। मान लीजिए मोटर में लिखा है 12 एम्पियर तक कंटिन्यू लगातार चलाना, लेकिन आप मोटर को 15 एम्पियर तक कंटिन्यू लगातार चला रहे हो तो इस अवस्था में मोटर गर्म होने लगेगा, मोटर जल्द ही जल जाएगा। अगर आपके पास एम्पियर मीटर ही नहीं रहेगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि मोटर कितने एम्पियर में चल रहा है? मान लो आप धान कुटाई कर रहे हो या पिसाई कर रहे हो तो एम्पियर मीटर नहीं रहेगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि मशीन कितने लोड में चल रहा है? एम्पियर मीटर नहीं रहने पर पिसाई करते समय आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि अंदर चैम्बर में कितने गेहूँ गया है। कभी कभी क्या होता है कि गेहूँ नीचे एक समान गिरते नहीं हैं, कभी कम गिरने लगेंगे तो कभी ज़्यादा गिरने लगेंगे। अगर अंदर चैम्बर में ज़्यादा गेहूँ चला गया तो यह पिसाई मशीन में ज़्यादा लोड हो जाएगा, फिर गेहूँ और जाली के बीच ज़्यादा घर्षण होने लगेगा। घर्षण जाली जल्दी जल्दी पतले होने लगेंगे, जिससे जाली जल्दी टूट जाएगा। चैम्बर में गेहूँ ज़्यादा होने से जो मशीन में बेल्ट लगा है उसमें भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, घूमने में ज़्यादा दिक्कत होगा, जोर लगाना पड़ेगा बेल्ट को और बेल्ट बहुत जल्दी टूट फट जाएगा। अगर एम्पियर मीटर रहेगा तो उसे देखकर आपको मालूम चलेगा कि अंदर कितना माल गया है, कितना गेहूँ गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एम्पियर मीटर आपको बता देगा। भाई लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं यहाँ इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बिना एम्पियर मीटर के किसी भी राइस मिल मशीन को चलाना ही नहीं चाहिए। कंपनी वालों को तो राइस मिलों में ये एम्पियर मीटर लगा कर बेचना चाहिए। यह 35-40 हज़ार रुपये का मशीन है और 150-200 रुपये वाला एम्पियर मीटर लगाते नहीं कंपनी वाले। बस 150-200 का एम्पियर मीटर के वजह से आपको ये 35-40 हज़ार का मशीन को 1.5-2 महीना में ही कबाड़ में बेचना पड़ जाएगा। ये एम्पियर मीटर मोटर दुकान में आसानी से मिल जाता है, किसी भी मोटर दुकान में ये आसानी से मिल जाता है, आजू बाजू किसी भी दुकान में मिल जाएगा। चैम्बर के अंदर क्या चल रहा है कुछ दिखता नहीं है बाहर से, एम्पियर मीटर से आप आसानी से उसे पता कर सकते हो कि अंदर कितना माल गया है। मैंने यह मीटर 150 रुपये में ख़रीदा था मोटर दुकान से। यह मशीन में तो लगा नहीं होता है, इसलिए मैं खुद ख़रीदा था और लगा कर चलाता हूँ यह मीटर को। ज़्यादा एम्पियर में चलने से मोटर गर्म हो जाता है, जिससे बिजली खपत होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बिजली बिल आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ एम्पियर मीटर रखा हूँ, टांग कर यहाँ नहीं रखता हूँ। चलो देखते हैं काम कैसे करता है। ये स्टार्ट हो गया है मशीन, ये गियर आ रहा बोरी में, गियर आता है बहुत ज़ोर से। ये बोरी के बाद
भोरी के बारे में कुछ और जानकारी है, उसको बाद में कभी बताऊंगा। अभी चैम्बर में गेहूं गिरा कर देखते हैं ये जो मीटर है वो क्या दिखाता है। ये मीटर को तो हर कोई देखना जानते ही होंगे। वो गेहूं को थोड़ा धीरे धीरे गिराना होता है। मैं तो गेहूं चैम्बर में वो एम्पियर मीटर देकर ही गिराता हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे गिराता हूँ वैसे वैसे एम्पियर मीटर बढ़ने लगता है। फिर मैंने जैसे 12 एम्पियर से कम चलाता हूँ तो बस 11-10 में ऐसे सेट करके छोड़ देता हूँ, बस वैसा ही चलते रहता है। गेहूँ थोड़ा ज़्यादा गिरा रहा हूँ अभी, ये मीटर देखना 10 एम्पियर से ऊपर चला जाएगा। देखो धीरे धीरे जा रहा है, ऊपर चला जाएगा। वो जैसे जैसे ज़्यादा चैम्बर में जाता रहेगा गेहूँ वैसे वैसे ये मीटर ऊपर जाता रहेगा। देखो 10 एम्पियर से ऊपर चला गया है। अब गेहूँ को सारा बंद कर देते हैं, एक भी गेहूँ नहीं गिरने देते हैं। देखो धीरे धीरे वो मीटर नीचे आने लगेगा, आ रहा है धीरे धीरे। देखो वैसे ही जैसे माल ख़त्म हो जाएगा तो नीचे शून्य पे चला जाएगा। चैम्बर में है जो गेहूं बचा वो सारा पाउडर बन जाएगा, आटा बन जाएगा और निकल जाएगा, तो ये मीटर एकदम नीचे चला जाएगा शून्य पे। देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे जैसे ख़त्म होगा चैम्बर में गेहूं वैसे वैसे नीचे धीरे धीरे आते रहेगा। इस एम्पियर मीटर से आसानी से पता चल जाता है कि चैम्बर में कितना गेहूं जा रहा है। यह धान भी कुटाई करते समय ये मीटर बहुत ज़रूरी है। धान तो और कम बेसी करके नीचे गिरता है, धान में ज़्यादा कचरा होता है ना, इसलिए वो धान ठीक से एक समान गिर नहीं पाता है। धान में और ज़्यादा कचकच दिक्कत होता है अगर यह मीटर नहीं रहता है तो। ये जो ढक्कन है जो गिरता है, कम बेसी गिरने का जो ढक्कन है उसको यही मीटर देख के गिराता हूँ। अगर गेहूँ ज़्यादा गिर रहा है तो थोड़ा सा और उसको बंद कर दो तो फिर ये मीटर नीचे चला आ जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे चला आ गया तो फिर थोड़ा सा खोल दो, फिर ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जितने एम्पियर में चलाना है वो इसको देखकर आसानी से चला सकते हो, जिससे आपका जो मोटर है वो ख़राब नहीं होगा। बहुत से भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा जो ये 6N100 मॉडल का जो राइस मिल है उसका मोटर जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म इसीलिए होता है, जो लिखा है मोटर में 13 एम्पियर चलाना, आप उसको 15 एम्पियर चला दोगे तो गर्म तो होगा ही। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये मीटर ज़रूर लगा लेना, जिससे आपको किसी से ये पूछना ना पड़े कि मोटर क्यों ख़राब होता है और ये जो बेल्ट क्यों जल्दी टूट जाता है, जाली क्यों जल्दी फट जाता है, ये पूछना नहीं पड़ेगा। इसमें जो लगे हुए होते हैं जाली, वो अगर सिंगल लेयर रहेगा तो जाली तो बहुत ही जल्दी घर्षण से वो पतले हो जाते हैं। ये चैम्बर तो सभी तरफ चारों तरफ से ढके रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे दिखेगा अंदर। ये ऐसा बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मीटर टांगा हुआ हूँ। ये कभी भविष्य में कभी नीचे फिट करूँगा इसको अच्छी तरह से। अगर ये आपके मशीन में नहीं है तो बस दुकान से ख़रीद के लाओ, वही दुकानदार ही आपको बता देगा कैसे कनेक्ट करना है ये एम्पियर मीटर को। वो सबको अच्छी तरह से मालूम होता है ये सब के बारे में। बिल्कुल मत चलाना बिना एम्पियर मीटर के ये मिनी राइस मिल।